तो गाइस यार सभी लोगों का वेलकम बैक हो गया अंशु बिस्ट पर एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सर्वाइवल सीरीज। भाई बच्चे के बाल खींच खींच के बाल झड़ा दिए हैं भाई, सर्वाइवल कब आएगा, सर्वाइवल कब आएगा। ले आया मैं दोस्तों, मैं ले आया मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारे लिए इतना प्यारा सर्वाइवल वर्ल्ड वो देख रहा हूँ। वो वहाँ पर क्रीपर देख के बोल रहे ब्रूम, एक मिनट क्रीपर कहाँ है, मुझे वहां जाना पड़ेगा ना, इसलिए क्रीपर नहीं आ गए। तो आज हम लोग करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो कि मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यार, मेरे पास फाइनली पूरा का पूरा, देख रहे हो तुम्हें ऊपर से नीचे तक नेदरराइट का पूरा आर्मर आ चुका है। पर स्वर्ड वर्ड में अभी नेदरराइट लगाना बाकी, क्योंकि इस स्वर्ड में तो मैं नेदरराइट गलती से भी लगाने वाला भाई। ये स्माइट वाइट तो यहां नहीं चलने वाली, पहली बात तो ये ठीक है, स्माइट वाइट तो मैं लगाने नहीं वाला अपनी स्वर्ड में। हमको चाहिए शार्पनेस यार, ड्रैगन को मारने के लिए हमें चाहिए शार्पनेस 5, जो कि हम लोग धीरे धीरे कर लेंगे। अभी मेरे पास है नहीं यार कोई भी विलेजर, तो हम लोगों को ना अभी थोड़ा बहुत और काम करना बाकी है। बट सबसे मेन चीज जो हमें चाहिए थी, देखो तुम्हारा भाई है रेडी एंडर ड्रैगन को मारने के लिए, पर हम लोगों को यार एंडर ड्रैगन को मारने के लिए करनी पड़ेगी थोड़ी तैयारी। और तैयारी यार देखो मैं अपने घर में यहाँ पर नहीं कर तो तैयारी हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते यार, तो थोड़ा सा ना हम लोगों को एक अलग से एरिया चाहिए होगा। तो आज हम लोग वो एरिया बनाने वाले जहाँ पर हम लोग एंडर ड्रैगन को मारने की तैयारी करेंगे दोस्तों। पर उससे पहले जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक कर देना भाई, 1.5 लाख लाइक का गोल लगा रहा है तुम्हारा, तो जल्दी से लाइक वाला बटन दबा दो। और जो भी नया जल्दी सब्सक्राइब करो यार बॉयज। यार ऐसे कैसे चलेगा यार कि 100 लोग वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ 40 लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और 60 लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज यार सब्सक्राइब टू द चैनल तुम्हारे भाई यार, कर दो यार। 2 मिलियन दिखाओगे नहीं दिखाओगे तुम इस ईयर एंड से पहले, मेरे को बस बता दो यार, और मुझे सुनना नहीं है, तुम करो बस। तो दोस्तों सबसे पहली चीज लेकिन हम लोग जो करेंगे वो होगी भाई, आधे लोग समझ गए होंगे और आधे लोगों ने बहुत मिस करा होगा इस चीज को। अगर तुम लोग ओजी फैम हो और नहीं हो तो यार बन जाओगे। बस मैं बता देता हूँ तुम लोगों को पहले भाई, हमारे वहां ना एक प्रथा चलती है ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब अगर फ्लीट का वर्ल्ड है तो क्या होगा भाई। यहीं पे रोको वीडियो और कमेंट सेक्शन में बताओ जिन लोगों को पता है, जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बताता हूँ। तो गाइस जिनको पता नहीं है यार, सुबह का नाश्ता फ्लीट के वहां पर होता है, कोई भी वर्ल्ड हो फिर वो होता है भाई ब्रेड। पहले जितनी ब्रेड खा सकते हो खाओ ठीक है, मैंने पहले ही खा ली थी थोड़ी सी, और बाकी फिर पियो गाय का ताजा ताजा गाढ़ा गाढ़ा दूध। भाई मजा ही आ गया ठीक है, सुबह की जगह रात हो रही है पर देखो किसी भी टाइम खा सकते हैं ना, ये तो भाई ऑल टाइम मील है यार दोस्तों। तो दोस्तों यार एक और चीज बचती है, सबसे पहले तो एक मिनट में जो ये लेके आया था, आ जाओ भाई, कम गाय मेरी गौशाला में बिल्कुल अच्छी लग रही है, आ जाओ सारी गई आ जाओ, पीछे वाली गई आगे आ जाओ, बढ़िया। एंड देयर वी गो गाइस, पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर कर दिया है सीड, देयर वी गो ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारा यहाँ पर, अरे यार मैंने ये यूज कर लिया था ना उसके लिए भूल गया यार, थोड़ा भूल जाता हूँ, भुलक्कड़ हूँ यार, बहुत सारा नहीं पड़ा है बट है ना। तो यस गाइस जिसको याद नहीं होगा लास्ट एपिसोड जो कि 1 महीने पहले आया था आई गेस, उसमें हम लोगों ने बनाया था भाई ये पोटैटो फार्म, एक बार देखो कितना खूबसूरत। तो गाइस एक बार देखो यार कितना खूबसूरत पोटैटो फार्म है हमारा, एक जगह भर भी तुम्हें ऐसे नहीं दिखेगा कि भाई यार कहीं पर कोई चला है ऐसे करके, नहीं। तो गाइज ये है हमारा पोटैटो फार्म, यहाँ पर तुम्हें जगह जगह पर नहीं लगे हुए पोटैटो और बेकार जगह भी दिखेंगी, पर ये बहुत काम की चीज़ है। जैसे कि अगर तुम लोगों को याद होगा लास्ट एपिसोड में तुम्हारे भाई ने क्या किया था भाई, हम लोगों ने पूरा का पूरा पोटैटो फार्म बनाया था बट पोटैटो लेने के लिए नहीं भाई, आलू से मैं क्या करूँगा भाई, हम लोगों को चाहिए था मेन चीज़ ये भाई, हम लोगों को बनाना था एक पोटैटो ऑटो स्मेल्टर। एक मिनट, इसने सारे के सारे पोटैटो स्मेल्ट कर दिए, मैंने इतने सारे रखे थे इसमें भाई। ये पोटैटो स्मेल्टर एक बार में तुम्हें कहीं पर भी नहीं, तो मतलब ये पोटैटो फार्म तुम्हें एक बार में कहीं पर भी नहीं तो 86 के आसपास स्टैक देता है पोटैटो के, 86 स्टैक पोटैटो गाइस, पोटैटो नहीं स्टैक भाई, नेक्स्ट लेवल ही हो रखा है। अब हम लोग इसको करेंगे बंद ताकि इसमें जो भी पक रहा है वो नीचे ना जाए। तो हम लोग अब जब इसको लेंगे तो आई थिंक हमको ये सारा का सारा एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। मैंने जैसे कि देखो यार सारी अपनी जितनी भी चीज़ें थी मेरी सब में मैंने मेंडिंग लगा दी है, क्योंकि यार लास्ट टाइम जब मैं यूज़ कर रहा था तो बहुत सारी मेरी पिकैक्स टूटने वाली थी, मेरे बहुत सारा सामान टूटने वाला था, तो उसकी वजह से मैंने वो किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सारे के सारे बटन्स को कर देंगे ऑफ ताकि ये बिल्कुल भी नीचे ना जाए और सारा का सारा सामान निकले इसमें। तो हम लोग 2 मिनट के लिए रुकेंगे और उसके बाद इसमें चेक करते हैं कि हमें कितना एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि ये देखो एक बार यार ये चेस्ट के अंदर कितना पोटैटो जमा हो गया, देख रहे हो तुम लोग सारे के सारे चेस्टों में भाई। तो दोस्तों यार काफ़ी सारा जमा हो चुका है, अब ट्राई करते हैं। देखो मेरे पास 28 है और 28 का भी थोड़ा बहुत भरा हुआ है, आई होप मिले प्लीज। यस हम लोग को डायरेक्ट 30 लेवल हो गया गाइस, 24 पोटैटो निकाले मैंने सिर्फ, सीधे डायरेक्ट 30 लेवल ब्रो। और इस वाले में ट्राई करते हैं, अभी हमारा 30 लेवल है और बिल्कुल स्टार्टिंग है भाई, 31.5
भाई दिस इज वर्किंग गाइस। ओके 31.5 है भाई, 32.5। भाई ये कितनी मस्त चीज है ब्रो, बस एफके खड़े हो जाओ, इतना सारा पोटैटो। भाई मेरे को 2 सेकंड जॉब में ये सारा का सारा पोटैटो निकालता हूँ और यहाँ पर वापिस से पोटैटो लगाता हूँ। पता नहीं सारा का सारा मे भी ना निकालूं, क्योंकि मेरे को आधा घंटा इसमें निकालने और लगाने में लग जाएगा, बट थोड़ा बहुत निकाल के वापिस से इसमें डालता हूँ, तो मेरे को तो 2 मिनट और मैं आता हूँ तुम लोगों के पास अभी। तो दोस्तों तुम्हारे भाई ने सिर्फ और सिर्फ आधा खेत, आई थिंक आधे से भी कम खेत मैंने यूज़ करा, और मेरे पास लिटरली 2 स्टैक भर के, मतलब 2 बार भर के अपनी जेब में सामान आ चुका था, और मैंने सारा का सारा डाल भी दिया, लाइक इन सब में सब में भरा हुआ है। तो मैंने वो सारा का सारा काम कर दिया है, और उसके बाद गाइज उसके बाद जाके हम लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा। तुम लोग देख रहे थे मैं सुबह सुबह आया था और अभी रात होने वाली है, तो यार ऐसे तो मेरा बहुत सारा टाइम जाएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, हमें पता है भाई फाइनली ये चीज़ काम कर रही है, और थोड़ा ब्रेड की जगह अब हम बेक्ड पोटैटो खा सकते हैं, थोड़ा जल्दी हंगर बढ़ता है और देर तक रहता है। अगर हमें एंडर ड्रैगन को हराना है तो यार हम लोगों को तैयारी तो करनी पड़ेगी, और तैयारी करनी है तो भाई यार देखो स्टाइल में करेंगे, ऐसे तो करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों का सारा सामान भी फैला हुआ है, लाइक कोई चीज़ कहीं घुसी हुई है, कोई चीज़ कहीं घुसी हुई है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि एक एरिया हो जहाँ पर सारा का सारा एंडर ड्रैगन का सामान हो और वही हो बस। भैया जी गाय का गाढ़ा गाढ़ा दूध दीजिएगा। भाई कितनी सारी गाय होगी, मज़ा आ गया यार को। ठीक है एक मिनट मेरे पास और है ना, ये लो आओ सारी आओ। भाई गौशाला लगनी चाहिए ऐसे बिल्कुल भरी भरी यार, हरी भरी 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 गौशाला। ठीक है तो ये हो गया, अब देखो हम लोगों को क्या करना है। गाइज हम लोग सबसे पहले करते हैं सुबह का नाश्ता, एक्चुअली मेरा पेट भरा हुआ है, माय बैड यार, थोड़ा सा दूध पी लेते बस। ठीक है तो आज सुबह हम लोग दूध पी के करते हैं काम धंधे पे लगते हैं शुरू। देखो मेरा क्या आइडिया है, मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग ना यहाँ पर बनाया एंडर ड्रैगन का फेस। देखो हम लोगों ने कायदे से वैसे जितना भी आज तक बनाया हुआ है सामान, अरे यार हमने अभी तक का जितना भी सामान बनाया हुआ है वो कायदे से हमने पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ ऊपर बनाया, राइट। बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत ना नीचे भी हो, इससे क्या होता है थोड़ा अंडर डेवलप्ड सा लग रहा है। हम लोग थोड़ी क्या कहते हैं रस्ते निकालेंगे, थोड़ी क्या कहते हैं स्ट्रीट्स निकालेंगे, तो थोड़ा सा दिखने का कूल सा लगेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, रुको पहले इस पेड़ को मैं हटा देता हूँ पूरा का पूरा। ओ मेरे ऐसा किया कहा गया ये रहा, ठीक है। तो अकेशिया, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इसका नाम है अकेशिया, तो हम लोगों ने अकेशिया का जो पेड़ है वो हटा दिया है। और अब देखो हम लोगों का क्या काम है, कहीं हम लोग सोच रहे कि यहाँ पर एंडर ड्रैगन का वो बनाएंगे, जहाँ पर हम लोग लाइक सारा का सारा प्रिपरेशन करेंगे। और मेरे पास ना एक क्रेजी आइडिया है कि हम लोग कोई नॉर्मल ऐसे घर वर नहीं बनाएंगे कि ऐसा सीक्रेट बंकर या फिर ये सब, भाई यहाँ हमें किससे डर, हम लोग बनाएंगे भाई खतरनाक एकदम बढ़िया वाला तगड़ा वाला ना एंडर ड्रैगन का बेस, और उस बेस में लिटरली एंडर ड्रैगन का ही फेस होगा, समझ लो एंडर ड्रैगन का फेस वाला बेस। तो हम लोग अब काम करते हैं, हम लोग उसकी चाहिए ढेर सारा, देखो कंक्रीट, कंक्रीट कैसा वाइट कंक्रीट, ब्लैक कंक्रीट, और हमें चाहिए होगा वाइट ब्लैक और थोड़ा बहुत रेड और पर्पल कंक्रीट। ठीक है पर्पल का पता नहीं कैसे लाएंगे, बट वाइट ब्लैक तो हो जाएगा, ब्लैक यहाँ पे बहुत सारे स्क्विड मिल जाएंगे, वाइट हमारे पास भाई दुनिया भर का बोन मील पड़ा हुआ है, और बाकी देखते हैं जैसे भी होगा रेड कंक्रीट भी हो ही जाएगा मेरे ख्याल से, बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, वरना बोन मील मार मार के थोड़ा बहुत तो ले लूंगा पॉपीज। तो अरे पॉपी की तो कमी नहीं है भाई, मैं अपना आयरन फार्म तो भूल ही जाता हूँ यार, पॉपी की कमी नहीं है। तो चलो एक काम करते हैं फटाफट से ढेर सारी सैंड लेके आते हैं, ये वाला तो पूरा आइलैंड ही काट देता हूँ, ये वैसे भी घर के आगे अच्छा नहीं लगता यार। तो हम लोग एक काम करते हैं फटाफट से ढेर सारा ग्रेवल और सैंड लेके आते हैं, मेरे को तो 2 मिनट, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से थोड़ी देर में। तो दोस्तों रात हो चुकी है और तुम्हारा भाई देखो इतना सारा ग्रेवल और सैंड लेके आ गया, और पता नहीं यार मैंने ये डर्ट फेंकी नहीं, बट ठीक है आई होप इतने से काम हो जाए, वैसे हो जाना चाहिए, लाइक इतना ज़्यादा भी नहीं चाहिए मेरे को। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अभी सोते हैं और फटाफट से एक काम करते हैं, इसका सारा का सारा कॉन्क्रीट बनाते हैं, और मेरे ख्याल से मेरे को यहाँ भी एक कॉन्क्रीट मेकर बनाना ही पड़ेगा यार, अगर मैं कॉन्क्रीट का काम कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है कि बार बार कॉन्क्रीट डालना फिर उसमें पानी डालना थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा मेरे लिए। क्योंकि देखो ऐसे में तो मैं कर दूंगा, जब मैं नीचे ज़मीन में बिछाऊंगा ना ऐसे करके कॉन्क्रीट, तब तो मैं कर दूंगा, बट फिर जब मैं ऊपर को ऐसे करके फेस बनाऊंगा तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले बनाएंगे एक कंक्रीट मेकर, और उसके बाद निकालेंगे थोड़ा कंक्रीट, बट पहले कंक्रीट पाउडर बनाते हैं। अभी के लिए हमने सारा का सारा सामान अपना वहाँ पर डाल दिया है, अब हम लोगों को भाई थोड़ी बहुत यार स्क्विड मारने पड़ेंगे ब्लैक इंक के लिए, हमारे पास वाइट का तो कोई कमी नहीं है, लाइक हमारे पास बहुत सारा बोन मील है, बट हम लोग ब्लैक के लिए भाई जल्दी से थोड़ी बहुत स्क्विड्स का देखते हैं कहीं पर तो होंगी, देर भी गो। ठीक है तो मेरे को 2 मिनट दो। तो गाइस तुम्हारा भाई लेके आ गया भाई 1 स्टैक और 7 इंक सैक, तो हम लोग इससे आराम से भाई नहीं भी तो 1 स्टैक से थोड़ा सा ज़्यादा ही भाई वो बना सकते हैं। रुको जरा 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो हम लोगों ने अपने लिए 4 कर लिया, अरे यार रात भी होने लगी गाइस, हम लोगों को सोने भी जाना है। 1 स्टैक ये, फिर उसके बाद 4, ये हमारे पास हो चुका है 8 स्टैक भाई, 8 स्टैक ब्लैक कंक्रीट पाउडर, इसको हम लोग वापस ही डालते हैं। अभी हम लोगों को वाइट भी बनाना है, एक काम करते हैं जब तक का लाइक मॉब्स आ नहीं रहे तब तक का हम लोग थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं
जल्दी से इसका भी बनाते हैं व्हाइट डाई। हमारे पास व्हाइट डाई के लिए और वैसे होंगे मेरे ख्याल से, आई एम नॉट श्योर दो। तो हम लोग एक काम करते हैं, 1, 2, 3, 4 ठीक है, इसका भी 8 स्टैक बनाते हैं। हमें इतना चाहिए नहीं वैसे, सही बताओ तो व्हाइट डाई बहुत ही कम लगेगी, बट मैं फिर भी बना दे रहा हूँ, लाइक ठीक है ना भाई, अभी है तो बना देते हैं। ठीक है, तो ये कर दिया हम लोगों ने। हम लोगों के पास ब्लैक और व्हाइट कंक्रीट हो चुका है, थोड़ा बहुत हमें रेड कंक्रीट चाहिए होगा, उसके लिए हमें थोड़े बहुत पॉपी चाहिए होंगे। तो एक काम करते हैं, फटाफट से पॉपी भी ले आते हैं भाई। तो दोस्तों मैं एक नंबर का गधा हूँ भाई, ओके मतलब ऐसा बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। ओके तो गाइज मैं एक नंबर का गधा हूँ यार भाई, मेरे पास लिटरली एक आयरन फार्म है जिसके अंदर इतना रेड डाई है, इतना रेड डाई है कि पूछो ही मत। लेकिन भाई को तब भी भाई ढूंढ ढूंढ के पॉपी तोड़ने, अनलिमिटेड पॉपी के सामने भाई। भाई मैं तेरे को बाहर निकाला था, अगर तूने मेरे को मारना शुरू करा ना मैं बता रहा हूं कहां फंस गया ये। अरे भैया सारे तेरे को एक तो बचाऊ मैं, तू मुझे मारे ऊपर से। ओके तो गाइज अब ये ठीक हो चुका है, देखो अब वापस से हमारे भाई ये आने लग गए हैं आयरन गोलैम सारे के सारे। और मुझे ना लगता है कि मेरे को यहाँ पर यार वो करना पड़ेगा, लाइक एंड में हम लोग यहाँ पर पानी डाल देंगे ताकि हम लोगों को इतना सीढ़ी वीढ़ी से ना आना पड़े। बट ये ना थोड़ा कन्वीनियंट है कि एक ही जगह है ऊपर जाने के लिए नीचे आने के लिए, इसलिए मेरे को थोड़ा बहुत सही लगता है। ये देख लो मैंने बोला था तुम लोगों से एंडलेस भाई, एंडलेस पॉपी मिलेंगे यहाँ पर हमें। हम लोग को भाई एक स्टैक रेड कलर भी मिल चुका है, तो आराम से हम लोग एक स्टैक वो भी बना सकते हैं। बट अभी के लिए जाएंगे सोएंगे और अगली सुबह को उठते हैं, हम लोग का कंक्रीट मेकर भी बनाना है, तभी जाके हम लोग यार इतना सारा कंक्रीट का मतलब कंक्रीट पाउडर का कंक्रीट बना पाएंगे। भाई हद से ज़्यादा कंक्रीट है, हद से ज़्यादा। मैं देखो रेड वाला तो मुझे ज़्यादा चाहिए, तो मैं बनाने भी नहीं वाला। व्हाइट भी हम लोग को बहुत सारा नहीं चाहिए, तो हम लोग उसका भी ज़्यादा नहीं, ब्लैक बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि अगर हमें एंडर ड्रैगन का फेस बनाना ही है। अरे यार दो मिनट दोस्तों, मारे यार मारो मत यार भाई, ब्लैक हमें बहुत ज़्यादा काम आने वाला, क्योंकि एंडर ड्रैगन का फेस बनाना है और उसके बाद थोड़ा बहुत पर्पल चाहिए होगा। पर्पल का देखते हैं, मेरे पास पर्पल डाई भी है वैसे तो, लेकिन इनको मैं तोड़ना नहीं चाहता, वैसे पिंक है शायद से, ठीक है मे भी मेरे को नींद की जरूरत है। दो मिनट दो और मैं सो के आता हूँ। तो गाइस तुम्हारे भाई ने यार देखो कंक्रीट मेकर भी बना दिया था, और अभी के लिए तो मैंने अपना सारा का सारा ब्लैक कंक्रीट यहाँ पर निकाल भी लिया है। अब हम लोगों को जाना है और व्हाइट कंक्रीट लेके आना है। बट यस मतलब सबसे बढ़िया बात क्या पता है कि कंक्रीट मेकर की ना कि तुम लोग यार लिटरली अपना सारा का सारा काम वाम कर सकते हो और इसको बस लगा के छोड़ दो। तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो मुझे व्हाइट कंक्रीट जिसमें तुम लोगों को बहुत ज़्यादा नीड नहीं पड़ने वाली है, तो मैं बस 3 ये रखने वाला हूँ और थोड़ा बहुत हम लोग रेड कंक्रीट के लिए, रुको मैं लेके आया था राइट। तो हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा रेड कंक्रीट बनाते हैं और मैं इन सबको कंक्रीट पाउडर से कंक्रीट बना के तुम लोगों से मिलता बस 2 मिनट के अंदर, ठीक है पहले इसका बना दूं बस। तो गाइज फाइनली हम लोगों का सारा कंक्रीट ओके ओके भाई 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 एक मिनट अरे भाई रुक जा भाई ओके। तो गाइज फाइनली हम लोगों का जितना भी भाई वो अरे ये अभी भी चल रहा है क्या। तो हम लोग क्या करने वाले अपने सारा का सारा सामान इसमें से निकालते हैं, मेरे पास व्हाइट और रेड तो बहुत ज़्यादा है एक्चुअली, कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा है ठीक है, थोड़ा ज़्यादा भी नहीं है ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं एक चीज़ करता हूँ, मैं इस एरिया को थोड़ा सा क्लीन करता हूँ ताकि हम लोग यहाँ पर बना सके ड्रैगन हेड। तो इस एरिया को मैं यहाँ तक का लेवल करूँगा और उसके बाद उसमें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे को तो 2 मिनट, मैं पहले इसको क्लीन करके मिलता हूँ तुम लोगों से अभी थोड़ी देर में। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे पूरा का पूरा काम कर दिया है, बस एक ये लास्ट अकेशिया वुड का जो पेड़ है वो मैं तोड़ देता हूँ ठीक है। पता नहीं क्यों मैं जितनी बार भी अकेशिया बोलता हूँ मेरे को ऐसे ही बोलने का मन करता है, क्योंकि वो बहुत ही फैंसी वर्ड लगता है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या है ब्रो अकेशिया वुड ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग जितना भी ये है ना ये सारा का सारा ले भी लेते हैं वापस से, और ये तो आप खुद ही गिर जाएगा ठीक है। तो अपने देखो ये काम हो गया है यार, मेरे पास बिल्कुल भी जगह नहीं है राइट। हाँ तो ये फिर ये फेंकू वो फेंकू बात तो एक ही रही ना। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो गाइस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने ड्रैगन के फेस से। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे पीछे का रूम ठीक है। सबसे पहली चीज़ होगी रूम, हम लोग यहाँ पर से मान लेते हैं कि रूम बनाते, तो हम लोगों को कम से कम नहीं भी तो कितने का चाहिए होगा, एटलीस्ट 15x15 का तो एक रूम चाहिए होगा राइट। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ठीक है। तो हम लोग इसको तोड़ देते हैं, तो हमारे पास 15x15 का मतलब 15 का ये हो गया। अब इसको इधर ही को पीछे को खींच लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक खींच लेते हैं इसको ठीक है, 15 इधर को और 12 इधर को ठीक है। तो दोस्तों तुम्हारे भाई ने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया, मेरे को सच्ची बताओ तो मेरे को दिख तक नहीं रहा है ब्रो, ये इतना डार्क हो चुका है। लाइक कंक्रीट की बात है ना, इसमें टेक्सचर नहीं होता, देखो धूप पड़ रही है थोड़ा समझ में आ जा रहा है, वैसे तो भाई इसमें टेक्सचर ही नहीं है तो पता ही नहीं कर सकता बंदा यार कि कहां से क्या चल रहा है। बस हो गया ये लास्ट हमारा बचा है, मेरे को यार एक बारी और कंक्रीट लेके आना पड़ा, लाइक बहुत सारा लेके आना पड़ा, तो वो चीज़ हो गई है। बट अरे यार मेरे पास पानी नहीं है ना, ये देख लो, अच्छा है मेरे पास पानी, व्हाट
है? भाई दीवार पे लिटरली लगी हुई है यार लाइट, लेकिन कोई रोशनी नहीं है। देख रहे हो तुम उस लाइक दीवार की, कोई बगल में ऐसा नहीं कि चमक रही है या कुछ हो रहा है। मेरे को पता है इसके अंदर एक पूरा कोट मारना पड़ेगा किसी और चीज़ का, लाइक अकेशिया वुड का मारूंगा तो अकेशिया वुड का मार दूंगा ऐसे करके, बट अंदर से मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ऐसा तो यार भाई बहुत डेंजरस लग रहा है। वैसे अच्छा भी लग रहा है यार, फिर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोगों को जैसा चाहिए, क्योंकि हम लोगों को चाहिए एकदम फुली प्रिपेयर्ड खतरनाक वाला एरिया, तो हम लोगों को उसके हिसाब से तो चाहिए ही चाहिए था। तो यार गाइज मेरे ब्लैक कॉन्क्रीट दोबारा से खत्म हो गया, तो मेरे को थोड़ा सा और लेके आना पड़ेगा, और वही चीज़ है अभी इसका लाइक मुंह वाला एरिया बनना बाकी है, लाइक ऐसे दांत वांत बनेंगे एकदम खतरनाक वाले जिसके अंदर हम लोग जाएंगे और उसके बाद अपना सारा का सारा सामान एक्सेस करेंगे। तो यार अभी के लिए फटाफट से सोते हैं और उसके बाद मैं लेके आता हूँ ढेर सारा ब्लैक कॉन्क्रीट और, ताकि हम लोग बना सके। मेरे को तो 2 मिनट, आता हूँ मैं लेके। तो दोस्तों तुम्हारे भाई ने देखो इसको थोड़ा बहुत लाइक ऐसे कर दिया, मैंने अभी के लिए ना ड्रैगन की बीक जैसी बना दी है जो होती है, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, देखो अभी के लिए मेरे पास ब्लैक कॉन्क्रीट दोबारा से खत्म हो गया, क्योंकि एक्चुअली ना इसकी बीक की एक लाइन खत्म हो गई थी यार। मैं हर बार थोड़ा थोड़ा बना रहा हूँ और लास्ट में फिर रो रहा हूँ कि मैंने पूरा क्यों नहीं बनाया, ज़्यादा क्यों नहीं बनाया। अभी इस बार मैं थोड़ा ज़्यादा लेके आऊँगा, बट यार वही चीज़ है कि बार बार बनाना ना वो चीज़ थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लमेटिक हो जा रही है यार, मतलब समझ लो ना यार थोड़ा बूमरिंग काम है यार बार बार लेके आते रहना। देखो ये हो गई इसकी जीप, ठीक है, ये हो गई इसकी जीप और इसके अंदर हम लोग ऐसे जाएंगे डन 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 डन। इसको थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा भाई, यार सच्ची बता रहा हूँ ये ब्लैक कॉन्क्रीट के साथ काम करना ना भाई हत्या है हत्या, दिख ही नहीं रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब हम लोग करते हैं व्हाइट कॉन्क्रीट के साथ काम शुरू। अब हम लोग पहले बनाएंगे इसका दांत, और ऊपर वाला तो बन ही नहीं सकता क्योंकि ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग 2 छोड़ के 1 दांत लगाएंगे इसके, और ये वाले तो 2 डबल वाले होने चाहिए राइट, और ये वाला ऐसे होगा देखो ये ऐसे, समझ रहे हो, इससे ऐसे पता चलेगा कि भाई इसके दांत पता नहीं क्या डेंजरस है एकदम। तो गाइज ये देखो यार एक बार अंडर ड्रैगन का फेस कितना गजब का लग रहा है यहाँ से, भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे तो यहीं से जाने का मन कर रहा है, इतना कूल लग रहा है ये। बट अभी हम लोगों को इसकी आईज बनानी है एंड एवरीथिंग, तो हम लोगों को थोड़ा बहुत यार पर्पल कलर या फिर ऐसा कुछ ढूंढने निकलना पड़ेगा। आई होप मेरे को लाइक डैंडीलाइंस या फिर मतलब डैंडीलाइन आई डोंट रिमेंबर, बट यस पर्पल कलर का कुछ तो ऐसा मिल जाए यार क्रेजी, जिससे मैं डायरेक्टली कॉन्क्रीट बना सकूँ इंस्टेड ऑफ बहुत सारे काम के। हम लोग थोड़ा बहुत बनाएंगे लाइक कांच और हम लोग बनाएंगे आपका पर्पल कलर, तो उससे क्या होगा ना हम लोग आई जो कि वो पर्पल कलर से बनाएंगे, मतलब पर्पल प्रॉपर ऐसे जो आई का प्यूपल होता है वो, और बाकी बाहर से हम लोग कांच लगाएंगे तो वो बहुत क्यूट लगने वाला, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग थोड़ा बहुत पर्पल कलर ढूंढ लेते हैं, क्योंकि मेरे को याद सी आ रही है कि मैंने कहीं तो फ्लावर्स देखे छोटे छोटे पर्पल कलर के, बट देखते हैं मिलते हैं नहीं मिलते हैं, तो मुझे थोड़ा टाइम पहले ढूंढ के लेके आता हूँ जल्दी से। तो गाइज थोड़ा बहुत तो ब्लू कलर मेरे को दिख गया यहाँ पर, और फटाफट से लेते हैं इसको। आई होप मैं गलत नहीं हूँ कि रेड और ब्लू को मिला के पर्पल बनता है, लाइक रियल लाइफ में तो बनता है, बाकी आई डोंट नो, देखते हैं लेट्स सी। यस पर्पल डाई बनती है, तो हम लोगों के पास 2 पर्पल डाई होगी, थोड़ी सी और चुकी, लेकिन हम लोगों को आइज बनानी है सिर्फ, तो हम लोगों को बहुत सारा ऐसा नहीं चाहिए होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले जितनी ज़्यादा हो सकती है पर्पल डाई ले लेंगे, और मेरे पास आयरन है क्या, थोड़ा सा मेरे को वूल चाहिए था यार, अभी इतनी सारी बकरियाँ थी ना, मैं आराम से इनका वूल लेके यार भाई अभी काम कर देता है, मेरे को थोड़ा बहुत पर्पल वूल की ज़रूरत पड़ेगी, बट चलो कोई बात नहीं अभी के लिए देख लेते हैं। हमारे पास काफ़ी सारा हो चुका है, मैं तुम लोगों को मिलता हूँ घर पे, फटाफट से काम धंधे पे लगते दोस्तों। तो दोस्तों चलो यार काम धंधे पे लगते हैं, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना था, हम लोगों को निकालना था थोड़ा बहुत, देखो हम लोगों के पास ग्रेवल है, यस एक एक स्टैक बस निकालेंगे ताकि ज़्यादा खर्च ना हो जाए, ठीक है। और बाकी मेरा जितना भी सामान मेरे पास ये कूड़ा पड़ा हुआ है ना भाई, पहले तो इसको मैं क्लियर कर दूँ सारा का सारा। सैंड चाहिए हमें, रेड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, तो एक स्टैक अपने पास रखते हैं बहुत ज़्यादा है। पिंक हमें थोड़ा बहुत चाहिए होगा, और बाकी सब कुछ मैंने रख दिया है, ठीक है, ब्लैक कॉन्क्रीट, ब्लैक ये पॉपी सब कुछ, ठीक है, हम लोगों को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोगों को मेन जो चीज़ चाहिए, एक मैंने ग्रेवल भी रख दिया क्या, माय बैड। तो हम लोगों को जो मेन चीज़ की ज़रूरत है देखो अभी के लिए वो है पर्पल डाई, ठीक है, पर्पल डाई हम लोग निकाल लेते हैं, और पिंक डाई की हमें ज़रूरत नहीं, एक्चुअली हम लोग पिंक जो होगा वो ग्लास करने वाले। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो मैंने अभी के लिए इसके दांत भी बना दिए, लाइक सही बताओ तो मेरे को लगता है ना मेरे को दांत बनाने नहीं आते ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि ये बहुत अजीब सा लग रहा है, बट यस एट द सेम टाइम कूल भी लग रहा है, ठीक है ना, अगर ध्यान से देखे तो, मतलब बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, बट अगर ध्यान से देखा जाए तो भाई मेरे को सच्ची बताओ मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है मैं क्या तोड़ रहा हूँ। तो दोस्तों देखो इसकी आंखें भी मैंने एकदम तैयार कर दी है, तो ये एकदम रेडी है भाई, देखें एक बारी जरा, देयर वी गो गाइस। तो ये क्या क्रेजी सीन लग रहा है भाई, इतना मस्त ना मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकता। अभी देखो हाँ इधर से देखो, ये देखो
प्रॉपर आंखें, और अभी तो पता नहीं छत से कैसा लगेगा क्योंकि रात भी हो गई तो हम लोगों को सोने भी जाना ही है, बट देखते हैं एक बार छत से कैसा लगेगा भाई। ओ भाई जल्दी से सोते हैं और सुबह को देखते हैं कि कैसा लग रहा है। वहाँ मैं कितनी प्यारी जगह है देखो, वो रहा मेरा डॉक, वो रहा मेरा क्या कहते उसे गन पाउडर फार्म, वो रहा मेरा आयरन फार्म, ओके नहीं दिख रहा है, वहाँ पर है मेरा आयरन फार्म, वहाँ पर है मेरा पोटैटो एक्सपी फार्म, ये है मेरा एन्चेंटमेंट रूम, ये मेरा एंडर पोर्टल और ये मेरा एंडर ड्रैगन। भाई लिटरली इतना सही लग रहा है ना देख के, लाइक ऐसा फनी भी लग रहा है थोड़ा बहुत। तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हें अच्छा लगा और क्या तुम लोग अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में भी इसको बनाना पसंद करोगे या नहीं। बाकी मेरे को तो सच्ची बता रहा आई एम सेटिस्फाइड भाई, कितना क्रेजी कूल सी चीज़ लग रही है भाई, मन कर रहा है सच्ची में भाई, देख के मन कर रहा है कि हाँ इसके अंदर जाऊँगा भाई, मस्त लग रहा है ये तो ऐसे वाला, ठीक है। और बाकी थोड़ा बहुत यहाँ पे रेड कलर और डालते हैं ताकि ये थोड़ा सा ऐसा देखने का थोड़ा और सही बने। और बाकी तो अंदर से तो भाई ये देख रहे हो क्या डरावना सा भी लग रहा है भाई, एकदम से इसकी छत देखो ना तो कुछ दिख ही नहीं रहा अंदर से यार, तो ये पता थोड़ा बहुत डरावना सा भी लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बस यहाँ पर अभी के लिए थोड़े बहुत चेस लगा देते हैं, थोड़ा बहुत सजावट कर देते हैं अंदर से ताकि ये थोड़ा कूल लगे। और बाकी यार एक आयरन स्टैंड भी मतलब आर्मर स्टैंड भी लगाना है हम लोगों ने, 1 2 3 4 5 6 7 मेरे ख्याल से ये इसका सेंटर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल सही है, करेक्ट सेंटर है इसका, तो यहाँ पर हमारा आर्मर स्टैंड आएगा भाई, क्या मतलब मजा आने वाला है दोस्तों। तो मेरे को 2 मिनट दो, मैं फटाफट से इसको डेकोरेट करके तुम लोगों से मिलता हूँ थोड़ी देर में। फाइनली तुम्हारे भाई ने यार आधा घंटा पता नहीं उससे भी ज़्यादा भाई, 2.5 घंटे की तो सिर्फ रिकॉर्डिंग ही है, पता नहीं मैंने कितना टाइम लगाया, बट यस तुम्हारे भाई ने फाइनली पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है दोस्तों। लेट्स सी, पहली बात तो ये देखो वामू भाई, ये ऐसा नहीं लग रहा है इसकी जीभ देख के कि ये ड्रैगन कम और सांप ज़्यादा होगा, मतलब ऐसे ड्रैगन लग रहा है बट ऐसे में सांप लग रहा है। चलो नीचे जाके देखते हैं। एक तो मैंने अपना सारा का सारा सामान, यार मैम तुम लोग सोच रहे हो वाह मुँह तुम्हारा आर्मर कहाँ है, तुम्हारे टूल्स कहाँ हैं, तो गाइज ये देखो यार फाइनली हमारा सारा का सारा आर्मर, मेरे सारे के सारे टूल्स मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं वीकली, ठीक है। तो ये है जो एंडर ड्रैगन को हमें पहले मदद करेगा, अभी थोड़ा बहुत आर्मर में एन्चांटमेंट, बाकी टूल्स भी थोड़े बहुत अच्छे करने, इसमें स्माइट है, लिटरली स्माइट है इसमें, ठीक है। और उसके बाद ये देखो भाई हमारी मछलियाँ तैर रही हैं यहाँ पे, थोड़ी कॉर्ड और सैलमन, मैं पहले पता गधों की तरह यहाँ पर ला के एक एक्सेलेटर छोड़ दिया था और उसके बाद मेरे को पता चला कि ब्रोम एक्सेलेटर तो मछलियाँ खा जाती है ब्रोम, और उसके बाद मैंने उसको वापस से बकेट में छोड़ के बाहर रख के आया हूँ। और यस गाइस फाइनली हम लोगों का एंडर ड्रैगन का अंदर का भी, ओ यस मैंने तुम लोगों को इतनी बताया, मैंने यहाँ पर भी मैग्मा लगा रखा, मैंने इसके नीचे मैग्मा लगा रखा, बाकी तो फिर श्रूम लाइट तो दिखी रही है दूर से और बाकी ये सब तो है ही। तो गाइस फाइनली हम लोगों का जो एंडर ड्रैगन फेस रिवील, फेस इनसाइड, फेस मतलब जो भी है ये वो हमारा तैयार हो चुका है। तुम लोग इसको कुछ प्यारा सा नाम दे देना क्योंकि देखो एंटर ड्रैगन हाउस भी थोड़ा बोरिंग सा लग रहा है नाम सुनने में, तुम लोग कुछ क्यूट सा नाम कमेंट सेक्शन में मेरे को सजेस्ट करना इसका। और बाकी तुम लोग मेरे को बताना कि क्या तुम लोग इसको अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में बनाना चाहोगे। हेलो, अरे यार नहीं यार मैं मर जाऊंगा, नहीं 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 भाई मैं आज तक अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में नहीं मरा हूं। गधे ज़ॉम्बी गाइस जिसको पता नहीं है, मैं आज तक का अपनी लाइफ में भाई, मैंने ये सर्वाइवल वर्ल्ड का 21वां एपिसोड आ रहा है और मैं आज तक का एक बार भी सर्वाइवल वर्ल्ड में मरा नहीं हूँ, और अभी ये बेवकूफ़ ज़ॉम्बी की वजह से मर जाता ब्रोम। मेरा खाना कहाँ रखा है, मैंने खाना दे दो थोड़ा सा दोस्तों। यस तो गाइज यस यार हम लोगों का ये हो चुका है कंप्लीट, और देखो भाई क्या सॉलिड लग रहा है। नहीं ये भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, ये नई नई चीज़ जो मैं ट्राई कर रहा हूँ लाइक पता नहीं क्या दिमाग में आ जाता है और मैं बोलता हूँ भाई करके देखते हैं, ये इतना कूल लगता है ना ये सब चीज़ देखने में भाई, मेरे को तो सच्ची में अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये कितना गजब लग रहा है। लाइक यहाँ से ही थोड़ा दिख नहीं रहा है बट जब ऊपर से देख रहे हो तो ये इतना सही और डरावना सा भी लग रहा है ना भाई कि मज़ा ही आ जा रहा है ब्रो, एक बार देखो इसको। तो गाइस यार ये था आज का एपिसोड, आई होप आप लोगों को मजा आया क्योंकि मेरे को तो बहुत ज्यादा मजा आया भाई, लिटरली वो इतना क्यूट सा एंडर ड्रैगन लग रहा है, उसके अंदर इतना सारा सामान और यार इतना खतरनाक एरिया लग रहा है ना, मतलब मैं खुश हूँ। तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना इसमें क्या अच्छा कर सकते हैं, और नाम तो गारंटीड बताना इस हाउस का, मैं बाहर से लगाऊंगा और पेन भी करूंगा कमेंट, जिसका सबसे बढ़िया नाम होगा उसका,
ठीक है। और बाकी जिसने भी लाइक नहीं कराया, लाइक गोल तुम लोगों को पता है 1.5 लाख लाइक का गोल लगा रहा है भाई, तो कर देना। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं कराया प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल गाइस, दिल से बुरा लगता है जब यार मैं देखता हूँ डेमोग्राफिक्स में 60% लोगों ने अभी तक का सब्सक्राइब नहीं करा और 40% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब टू द चैनल भाई, इस ईयर के एंड तक का 2 मिलियन जाने की ट्राई करने वाले हैं, बट अभी के लिए तो यार 1.2 मिलियन देखना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप लोगों से अगली वाली में, बाय बाय।